भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस सिलसिले में बाबा योगी आदित्यनाथ के गढ़ उत्तर प्रदेश के बनारस में G20 की बैठक चल रही है। इस बैठक के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बनारस में ही मौजूद हैं, जो तमाम विदेशी मेहमानों के साथ यहां पहुंचे। मेहमान नवाजी के लिए बाबा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मेहमानों को क्रूज से लाया गया, गंगा आरती का भी इंतजाम किया गया। मंशा थी कि आने वाले अतिथि बनारस के इस अनुभव को, या कहें सनातनी अनुभव को, कभी भूल ना पाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच बाबा योगी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया गया कि लोगों का कहना है कि विदेशी मेहमान टेबल पर शराब पी रहे थे, तभी खुद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए, जिसकी तस्वीर अब आपके सामने है, जिसमें योगी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। सामने दो विदेशी मेहमान मौजूद हैं, दोनों ने अपने कानों को पकड़ रखा है। देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो अपनी किसी गलती के लिए वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांग रही हैं। सामने मौजूद टेबल पर गंगा लिखा हुआ है। इसके अलावा टेबल पर दो बोतलें हैं और ग्लास भी मौजूद हैं। बोतलों में क्या है, तस्वीर को देखकर साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। कहने वाले इसे वोडका जरूर कह सकते हैं। वायरल करने वालों ने तस्वीर को वायरल भी कर दिया, लेकिन आखिर इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या सच में योगी ने दो विदेशी महिलाओं को गंगा किनारे शराब पीते पकड़ लिया था? और अगर ऐसा है तो फिर योगी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, नाराज होने की मुद्रा में क्यों नहीं है? क्या बाबा पर विदेशी मेहमानों को नाराज ना करने का किसी किस्म का दबाव है? तो आपको बता दें कि दरअसल इस तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। महिलाओं ने कान भी पकड़े हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ भगवा पहने हुए मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन पूरा माजरा जानेंगे तो संभवतः आप भी मुस्कुरा दें। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सीएम योगी और विदेशी डेलीगेट्स की जो फोटो वायरल हो रही है वो होटल ताज की है। सीएम योगी होटल ताज में डिनर कर रहे विदेशी मेहमानों की अगवानी कर रहे थे। उसी समय टेबल पर बैठी दो विदेशी डेलीगेट्स ने सीएम योगी के कान के कुंडल की तारीफ कर दी, और ऐसा माना जा रहा है कि मुमकिन है कि महिलाओं ने इसी कड़ी में अपने कानों को पकड़ा हुआ है। शायद वो कुंडल के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, जिसे सुनने के बाद योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बोतल में क्या है ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि सनातनी परंपरा का पालन करने वाले योगी अपने दोनों कानों में कुंडल धारण करते हैं। ऐसे में इस तस्वीर पर अब आपकी क्या राय है, जरूर लिखें। VK News, राष्ट्र के नाम।